प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई। इस प्रोग्राम में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जिस्म से रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे पर तारुफ नहीं हुआ। आज के इस व्यस्त जीवन में हम दूसरों को ढूंढने में, दूसरों की खोज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खुद को खोजने का मौका ही नहीं मिलता। हम जानते ही नहीं हैं कि हम कौन हैं, खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। इसी बारे में बात करते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आज मुझे भी यही लगता है कि जैसे मैं खुद को जान ही नहीं पाई, पूरी तरह समझ नहीं पाई, अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाई। तो आप इसके बारे में कुछ विस्तार से हमें बताइए। आपकी बात सुनकर इला ऐसा लग रहा है मुझे एक कहानी याद आ गई जिसमें बच्चे के हाथ में चाकू आ गया था। चाकू से सब्जियां भी काटी जा सकती हैं और चाकू से किसी को चोट भी पहुंचाई जा सकती है। और यह चाकू चलाने वाला कौन? चाकू खुद तो डिसाइड नहीं करता कि इससे मुझे क्या करना है। बच्चे का हाथ भी डिसाइड नहीं करता कि इससे क्या करना है। डिसाइड करने वाली शक्ति है आत्मा। आत्मा निर्णय लेती है कि हमें किस वक्त क्या करना है। और इसलिए जरूरी है कि आत्मा के पोटेंशियल को, आत्मा की क्षमता को हम अच्छी तरह से जान लें, पहचान लें और हम इसका सदुपयोग करके, इसका पूरा पूरा लाभ लेके अपने जीवन को खुशी से भरपूर, संपन्नता से भरपूर और संपूर्णता से भरपूर कर सके। तो मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूं। हमने देखा आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, सोचने की शक्ति मन, समझने की शक्ति बुद्धि, और सोचने समझने के बाद जब कार्य करते हैं तो उसके इम्प्रेशंस माना संस्कार। हम अगर किसी के भी बारे में जाने तो यह जरूरी होता है कि यह जान लें कि वह रहता कहाँ है, हमें उस शक्ति को खोजना कहाँ है। ये तो बात आपने सही कही सिस्टर तृप्ति। अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसका पता जानना जरूरी है कि वो रहता कहाँ है। इसी तरह अगर हमें मन के बारे में जानना है, मन को टटोलना है, तो हमें मन का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे आत्मा रहती कहाँ है। तो अगर हम किसी आपसे सवाल करें इला कि आप रहती कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैं अपने घर का पता बताऊंगी आपको कि मैं रहती कहाँ हूँ, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ से जाना पड़ता है। और अगर आपको कोई फॉर्म भरना हो तो उसमें आप अपना पता कैसे भरती हैं? फॉर्म में जनरली 2 होती हैं एड्रेस की जगह, एक टेम्प्रेरी एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। तो टेम्प्रेरी एड्रेस में मैं अभी का एड्रेस बताऊंगी और जो परमानेंट एड्रेस है उसमें मैं अपना लॉन्ग टर्म एड्रेस बताऊंगी। तो उसी प्रकार आत्मा भी टेम्प्रेरी एड्रेस पर रहती है और उसका एक परमानेंट निवास स्थान है। टेम्प्रेरीली आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा वहाँ रहती है जहाँ से वह इस शरीर को आसानी से कंट्रोल कर सके। यह जो कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन, ठीक उसके पास ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ठीक उसके ऊपर, और हाइपोथैलमस ग्लैंड के ठीक नीचे, यही आत्मा का निवास स्थान है, टेम्प्रेरी एड्रेस है। हम कहते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। तो जब हम परमानेंट एड्रेस की बात करें, आत्मा का परमानेंट एड्रेस, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया है। कुछ कहते हैं परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, तरह तरह की बातें हम उस परमानेंट एड्रेस के बारे में सुनते हैं। तो आत्मा
शांति धाम या परम धाम की निवासी है, वही इसका परमानेंट एड्रेस है। और आत्मा इस शरीर में आती है रोल को प्ले करने के लिए। यू नो इला, हम सब क्या हैं? हम सभी एक्टर्स हैं। देखा जाए तो यह सब एक ड्रामा है। जीवन को हमें ड्रामा के रूप में देखना है, सृष्टि को एक मंच के रूप में देखना है। और हम सब एक्टर्स क्या करते हैं? अपने घर शांति धाम से इस सृष्टि मंच पर आकर यह शरीर धारण करके हम सब अपना एक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसके एक एक पात्र हैं जो अपना पात्र निभा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इला। और जब हम अपने आप को रोल प्ले की तरह देखते हैं कि हम सिर्फ अपना पात्र, अपना किरदार निभा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इस किरदार में, इस रोल में हमें घुस नहीं जाना है, उसमें एंटैंगल नहीं होना है। एक एक्टर क्या करता है? एक्टर जब तक एक्टिंग चल रही है तब तक वह कोशिश करता है उस किरदार में घुस जाने की, ताकि वह अपने आप को उस किरदार के साथ एसोसिएट कर सके और अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले कर सके। और रोल खत्म होने के बाद फिर से वह अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और फिर से वह भूल जाता है कि वह उस किरदार के साथ एसोसिएटेड है। तो हमें भी क्या करना है? हम जब यह शरीर धारण करते हैं तो अपने जीवन को ड्रामा समझना है, अपने आप को एक्टर समझना है। और एक्टर कैसा? हीरो एक्टर, एक इम्पॉर्टेंट एक्टर, क्योंकि हीरो वह होता है जिसका बहुत अहम रोल होता है, जिसकी अहम भूमिका होती है। तो किसी भी सिचुएशन को अगर टर्न करना हो तो हीरो क्या करता है? ईजिली उस सिचुएशन को टर्न कर देता है। वह अपने आप को भी खुश रखता है, सुखी रखता है और अपने आसपास वालों की भी भलाई के लिए कार्य करता है। तो हम कौन है? हीरो एक्टर्स हैं, जो हम खुद का भला करें, दूसरों का भला करें और बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जैसे ही यह रोल खत्म हो जाता है, माना मैं रोल प्ले कर रही हूँ, एक माँ का रोल प्ले कर सकती हूँ, एक पुत्री का रोल प्ले करती हूँ, घर में बहन का रोल प्ले करती हूँ, ऑफिस में कलीग का रोल प्ले करती हूँ, बॉस का रोल प्ले करती हूँ, सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करती हूँ, कितने सारे रोल्स मैं प्ले कर रही हूँ इस जीवन में। तो जीवन में हमें तरह तरह के किरदार एक ही समय पर निभाने पड़ते हैं। बिल्कुल, या हम ये कहें घर पर हैं तो ऑफिस को भूल जाएं। हमें उस कैरेक्टर में घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है, स्विच इट ऑफ। घर में हैं तो हम माँ के रूप में उस रोल को प्ले करें बखूबी, वन रोल एट अ टाइम। अगर हम बेटी का रोल प्ले कर रहे हैं तो बखूबी हमें वह रोल अच्छे से प्ले करना है। अगर बहन का रोल या भाई का रोल प्ले कर रहे हैं तो वह रोल करना है, बाकी सारे रोल्स को स्विच ऑफ करना है। ऑफिस में जाएं तो फिर घर को स्विच ऑफ करना है और ऑफिस में कलीग का, बॉस का, सबॉर्डिनेट का रोल बखूबी प्ले करना है। माना जिस वक्त जो किरदार दिया जाए उसे अच्छी तरह से प्ले करना है, और वो भी कैसे? हीरो एक्टर समझकर। और हीरो एक्टर क्या करता है? खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करता ही है, खुद के लिए बुराइयों पर विजय तो प्राप्त करता ही है, और दूसरों के भी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देता है, हर एक को खुशी देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है और हर एक की भलाई के बारे में सोचता है। इसका यह अर्थ हुआ, अगर संक्षेप में मैं ये बात कहूँ तो यह होगा कि हमें इस जीवन रूपी रंगमंच पे बॉलीवुड का हीरो बनना है। आपने बिल्कुल सही बात की इला, बॉलीवुड का हीरो भी बन सकते हैं और आप चाहे तो हॉलीवुड का हीरो भी बन सकते हैं। और यही हमें करना है और याद रखना है कि अभी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, अगर अभी मैं यहाँ स्पीकर का रोल प्ले कर रही हूँ तो इस वक्त मैं सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ, मैं स्पीकर नहीं हूँ, हूँ मैं कुछ और जो ये रोल को प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म शक्ति हूँ,
जो इस शरीर के माध्यम से यह रोल को प्ले कर रही हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँगी इस रोल को भूल के फिर मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाऊँगी। और मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, घर पर जब लौटते हैं तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो रोल को प्ले कर रहे हैं उसे हम थोड़ा साइड में रख दें और हम क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है वह शक्ति से भरपूर है, गुणों से भरपूर है, और जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में होती हूँ तो सबसे पावरफुल और नॉलेजफुल स्टेट में होती हूँ। सिस्टर तृप्ति, आपने अभी बताया कि हम सब इस जीवन रूपी रंगमंच पे अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और किरदार निभा लेने के बाद हमें हमारे ओरिजिनल फॉर्म में चले जाना है, ओरिजिनल रूप ले लेना है वापस। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि हमने देखा, हम सभी आत्माओं का असली घर है परम धाम, शांति धाम, जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश है। चांद सितारों का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता नहीं है, वही हमारा असली घर है, वही हमें असली शांति मिलती है। और यह सृष्टि रूपी रंगमंच, यहाँ हम आते हैं, इस शरीर को धारण करते हैं, और इस शरीर में जब तक रहते हैं भ्रुकुटी के मध्य रहते हैं, और यह हमारा टेम्पररी एड्रेस है। जब तक यह शरीर है तब तक इस आत्मा का एड्रेस है इस भ्रुकुटी के बीच का स्थान। और जैसे कि हम देखते हैं, ये छोटा बच्चा होता है, वह जब शाम हो जाती है तो मम्मी को कहता है, मम्मी अब मैं नीचे जा रहा हूँ अपने बच्चों से खेलने के लिए। माँ क्या कहती है, बेटा नीचे बड़े बड़े बच्चे हैं, रफ गेम खेल सकते हैं वो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, यहाँ तुम शांति से बैठे हो, क्यों ना तुम यहीं बैठे रहो। पर बच्चा क्या करता है, घर में शांति है, सुख है, आनंद है, वो जो भी चाहता है वहाँ उसके फ्लैट में उसे मिल रहा है, पर उसमें खेल खेलने की इच्छा होती है, ड्रामा प्ले करने की इच्छा होती है, इसलिए वह नीचे उतरता है अपने दोस्तों के साथ खेल खेलने के लिए। शुरुआत में खेल जब होता है, नया नया शुरू होता है, सभी उमंग उत्साह में होते हैं और बच्चे बड़े प्रेम पूर्वक आपस में खेलने लगते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो क्या हो जाता है, सभी बच्चों की एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती है, उनकी एनर्जी कम होने लगती है, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा मनमुटाव नज़र आने लगता है। पर क्या करते हैं, बच्चों को खेल पसंद है, खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं, और जब अंत हो जाता है तब क्या होता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, कभी किसी बच्चे ने किसी को टकरा दिया, नीचे बच्चा गिर गया, और ऐसे समय जब वो बच्चा गिर जाता है रोने लगता है ज़ोर से, और तब जब आपको बच्चे की रोने की पुकार सुनाई दे तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, दौड़ के जाएंगे और देखेंगे उसे क्या हुआ है, उसको बहलाएंगे, पूछेंगे कि तुझे क्या हुआ। बिल्कुल, हम दौड़ के जाएंगे, उस बच्चे की घाव को मलहम पट्टी करेंगे, उसे हील करेंगे, और वापस दूसरे बच्चों को भी कहेंगे, बच्चों अब खेल ख़त्म हुआ, अपने घर चलो, और अपने बच्चे को भी साथ में ऊपर अपने घर वापस ले आएंगे। दूसरे दिन फिर बच्चा उठता है, शाम होती है, फिर बच्चा कहता है, मम्मी नीचे घर नीचे खेलने जाना है। हम बच्चे को फिर बोलते हैं, बच्चे नीचे रफ गेम होता है, लग सकती है, तो क्या बच्चा रुकेगा, बच्चे का तो स्वभाव है खेलना, तो वापस जाना चाहेगा, फिर वह नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम आत्माओं का भी खेल शुरू होता है, इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के साथ ऊपर परम धाम में रहते हैं, पर हम आत्माएं नीचे इस सृष्टि मंच पर आकर रोल प्ले करने के लिए उत्सुक होते हैं।
हम नीचे आना चाहते हैं। हमारे परमपिता कहते भी हैं, देखो नीचे रफ गेम है, कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए। पर हम नीचे आना चाहते हैं और नीचे आकर शरीर को धारण करके हम रोल प्ले करने लगते हैं। शुरुआत में तो हम में एनर्जी होती है, आसपास के सभी लोगों में एनर्जी होती है, बड़े ही प्रेम पूर्वक आनंद से खुशी से सभी इस रोल को प्ले करते हैं। पर धीरे धीरे खेल खेलते खेलते, माना धीरे धीरे जब हम बर्थ और रीबर्थ के चक्कर में आते जाते हैं, एनर्जी हमारी कम होती जाती है इस खेल में, और अंत में क्या होता है, हम सभी इतने थक जाते हैं कि एक दूसरे को भी चोट पहुंचाने लगते हैं और आपस में दुख टेंशन तनाव इस प्रकार का माहौल होने लगता है। और तब क्या होता है, हम पुकारते हैं भगवान, आओ हमें इन दुखों से छुड़ाओ, हे भगवान मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, दुख सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, वो आते हैं इस धरती पर और हमें दुखों से छुड़ाकर हमारा जीवन सुखमय शांतिपूर्ण और खुशियों से भरपूर बना देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, हम सभी आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आती हैं टेम्पररीली, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में निवास स्थान है हम आत्मा का, पर हमारा परमानेंट एड्रेस है परम धाम शांति धाम। सिस्टर तृप्ति, आपने अभी हमें बताया कि आत्मा का टेम्पररी एड्रेस यहाँ भ्रुकुटी के बीच में है और परमानेंट एड्रेस जो है वो परम धाम है। तो यहाँ आते हैं हम, किरदार निभाते हैं और फिर परम धाम वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक इला। और किसी को भी जानने के लिए अगर हम उसका परिचय पूछें, उसका इंट्रोडक्शन पूछें, तो हम क्या जवाब देते हैं। जैसे कि हमने देखा, जब मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ तब मैं अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम तृप्ति है। और जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ तो मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, रूह हूँ। फिर जब मैं अपने आप को शरीर समझती हूँ तो अपने क्वालिफिकेशंस बताती हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ। पर जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ तो इसके क्वालिफिकेशंस या इसके गुण होते हैं पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, शक्ति, ये सातों गुण। और जब मैं अपनी शक्तियों के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं आत्मा, मुझ में सोचने की शक्ति है मन, समझने की शक्ति है बुद्धि, और इम्प्रेशंस मना संस्कार है। अगर मैं अपना एड्रेस बताती हूँ इस शरीर का तो मैं क्या कहूँगी, मेरा टेम्प्ररी एड्रेस यह है, मेरा परमानेंट एड्रेस यह है। और आत्मा का एड्रेस क्या होगा, आत्मा का टेम्प्ररी एड्रेस है भ्रुकुटी के बीच का स्थान और परमानेंट एड्रेस शांति धाम या परम धाम। अब हम बात करें कर्तव्य की या फिर ऑक्यूपेशन की। इस शरीर का ऑक्यूपेशन क्या है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, आईटी इंजीनियर हूँ, पेंटर हूँ, क्लर्क हूँ, ऑफिसर हूँ, ये सारे हमारे प्रोफेशंस हुए। और इस आत्मा का प्रोफेशन, इस आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का ऑक्यूपेशन है इन सारे गुणों को धारण करके मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति और संस्कारों को परिवर्तन करके अपने जीवन को आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर, सुख से भरपूर, खुशियों से भरपूर और एक सक्सेसफुल जीवन की रचना करें, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।
तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, सोल समझते हैं, और तब हम अपने जीवन का लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तो हमें क्लैरिटी आती है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। व्हाट इज द एम ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। और जब लक्ष्य निर्धारित होता है और जितना निश्चय होता है उस लक्ष्य में, तो लक्ष्य से लक्षण अपने आप मुझ में नज़र आने लगते हैं, और तब मैं अपने जीवन को इस प्रकार से प्लान कर सकता हूँ ताकि मैं उस ऑब्जेक्टिव को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। जीवन के माइलस्टोन्स इस प्रकार से निर्धारित हो सकते हैं, और टाइम टू टाइम उन माइलस्टोन्स की चेकिंग भी हो सकती है कि मुझे पहुँचना कहाँ है और मैं अभी पहुँच कहाँ गया हूँ, मुझे और क्या करना है अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचने में। तो इस प्रकार अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाना है, अपने जीवन को शांति से भरपूर बनाना है, और अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जिसकी हमें इच्छा है। अपने जीवन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो ज़रूरत है हमें अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, क्योंकि यह सब प्राप्त करने का पोटेंशियल कहीं बाहर नहीं, यह सब कुछ मेरे अंदर ही है। हम अपने को समझ न पाए, यूँ तो हम बहुत दूर चले आए। इंसान आज चांद सितारों की बातें करता है, दूसरों की बातें करता है, सब तरह की बातें करता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारे बारे में भी सोचना है और जानना है कि हम कौन हैं। तो मैं एक आत्मा हूँ जिसका टेम्प्ररी एड्रेस भ्रुकुट के बीच है, जो कि एक ज्योतिर्बिंदु है, और इसका परमानेंट एड्रेस परम धाम है। तो हम इस जीवन रूपी रंगमंच के किरदार हैं, अपना किरदार निभाकर परम धाम चले जाने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। इस जानकारी के लिए धन्यवाद करते हैं सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए बस इतना ही, पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। इस ज्ञान में आने के पहले मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, किसी की भी बात मुझे सहन नहीं होती थी। अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं उसी समय जो भी हाथ में था तो वो तोड़ देती थी। पर जैसे ही ज्ञान मिला, परिवार में मेरे पापा और बड़े भाई इस ज्ञान में चलते थे, वो रोज़ कहते थे कि आप भी सुनो, 7 डेज का कोर्स करो। जैसे 7 डेज का कोर्स हो गया, तो इस ज्ञान में आने के बाद
मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं कोई भी कार्य सहज रीति से कर सकती हूँ। और जो आलस्य था वो आलस्य भी निकल गया। इतनी शांत हो गई हूँ कि अगर कोई गुस्सा भी कर लेता है तो भी उसी समय में अपने आप को एकदम शांत स्थिति में वो सुनकर उनको उस प्रॉब्लम के ऊपर राय देती हूँ। आज के संसार में सभी आत्माओं की एक ही इच्छा है। भिन्न भिन्न इच्छाएं तो होती है, लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो सर्व आत्माओं के मन में रहती है। वो कौन सी इच्छा है? शांति हो। चाहे मजदूर है, चाहे करोड़पति है, लेकिन हमने दोनों से जीवन का लक्ष्य पूछा। जीवन के लक्ष्य में दोनों ने यही कहा, सब कुछ होते हुए भी मुख्य चीज है मन की शांति हो। सर्वशक्तिमान की